दोस्तों लेटेस्ट न्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक और चीजें सामने में आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेके। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान पहले मर्डर का दावा किया करता था, अब वो उन चीजों को अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इस केस में सबसे बड़ा मुद्दा उठा के सामने में आए थे। वो स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने दावा किया था कि सुशांत का मर्डर हुआ है, वो आत्महत्या नहीं था, वो मर्डर था। वही सुब्रमण्यम स्वामी जब अपना स्टेटमेंट बार बार बदलने लगे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक उन पे भरोसा कर रहे थे कि ये सुशांत के साथ हैं और इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि सुशांत का मर्डर हुआ है, उन पे विश्वास करके कि ये हमारा सपोर्ट करेंगे, पब्लिक उनके साथ हो गई थी। अब वो सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कहना है जरा ध्यान से सुनिए। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आदित्य ठाकरे सुशांत और रिया के बीच में कुछ कनेक्शन है। रिया और आदित्य ठाकरे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और उनका आपस में कुछ रिश्ता था। अब वही सुब्रमण्यम स्वामी क्या बता रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। अब वो बता रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि रिया आदित्य ठाकरे को जानते थे, यानी कि आदित्य ठाकरे एक और रिया एक दूसरे को सिर्फ जानते थे, उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं था, कोई प्यार व्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं थी, उनका सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ जानना जानते थे, बस इतना ही उनका कहना है। अब देखना यह है कि उनका ये बात क्यों बदल, वो बार बार क्यों बदल रहे हैं। पब्लिक ने उन पे भरोसा किया, अब पब्लिक उनकी इन बातों का क्या मतलब निकालते हैं।